भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत में हमें अपने शहरों को आधुनिक भी बनाना होगा और उनमें नई सुविधाएं भी जोड़नी होगी। भविष्य के भारत के शहर को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेकों परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर शहर में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिक बसों हो, इलेक्ट्रिक कारें हो, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हो, हर शहर में स्मार्ट मोबिलिटी हो, लोग ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड का इस्तेमाल करें, हर शहर में सुविधा को स्मार्ट बनाने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, हर शहर में सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत बनाने वाला आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, हर शहर को वाटर प्लस बनाने वाले पर्याप्त आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जल स्रोतों के संरक्षण का बेहतर इंतजाम हो, हर शहर में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करने वाले गोबरधन प्लांट हो, बायोगैस प्लांट हो, हर शहर एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दें, हर शहर की स्ट्रीट लाइटें स्मार्ट एलईडी बल्ब से जगमगाए, इस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। शहरों में पेयजल और ड्रेनेज की स्थिति को सुधारने के लिए हम अमृत मिशन को लेकर के अनेक विध इनिशिएटिव लेकर के चल रहे हैं। हमने रेरा जैसा कानून बनाया ताकि जो मध्यम वर्ग के परिवार कभी इस कानून के अभाव में परेशान होते थे, पैसे देते थे, सालों निकल जाते थे, मकान नहीं मिलता था, उन सारी समस्याओं का समाधान जो कागज में बताया जाता था वो मकान नहीं होता था, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती थी। एक प्रकार से हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जो जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी से अपना एक घर बनाना चाहता है, वो घर बनने से पहले ही अपने साथ चीटिंग हुआ महसूस करता है। इस मध्यम वर्ग के लोगों को, घर बनाने वाली इच्छा रखने वालों को सुरक्षा देने के लिए ये रेरा का कानून बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम शहरों में विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी विकसित कर रहे हैं ताकि स्वच्छता पर स्थानीय निकायों का पूरा फोकस रहे। अर्बन प्लानिंग से जुड़े इन विषयों पर साल के बजट में भी ध्यान दिया गया है।